दिल्ली हाई कोर्ट के एक बटे हुए फैसले से एक बार फिर मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने 11 मई को वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मामले में बटा हुआ फैसला सुनाया। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 में यह प्रावधान है कि कोई शख्स अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। इस अपवाद के लागू होने के लिए पहले शर्त थी कि पत्नी 15 साल से कम न हो। इस सीमा को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया था और कहा था कि पत्नी 18 साल से कम न हो, मगर याचिकाकर्ताओं ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी कि ये अपवाद उन विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करता है जिनके पति उनका यौन उत्पीड़न करते हैं। तब फिर से बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की, जहां एक तरफ डिवीजन बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस राजीव शकधर ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को खत्म करने का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि आईपीसी का ये अपवाद असंवैधानिक नहीं है। जस्टिस शकधर ने कहा कि विवादित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जो समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। हालांकि जस्टिस शंकर ने कहा, मैं अपने विद्वान भाई से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं है। बात केंद्र सरकार की करें तो उसने इस मामले में अपना रुख साफ करने के लिए कोर्ट से फरवरी में और वक्त देने का अनुरोध किया था, जिसे बेंच ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मौजूदा मामले को अंतहीन रूप से स्थगित करना संभव नहीं है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले में निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिक गई हैं।